नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को एडिशन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, डिवीजन ऑफ रूट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, ये चारों टॉपिक एक वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ यार, इस वीडियो को ना पूरा एंड तक वॉच करना, काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने को। तो पहला हमारा क्या है, एडिशन ऑफ रूट। मैंने आप लोगों के लिए तीन क्वेश्चन लिए हैं, इनको मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग को सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है रूट सेवन प्लस रूट सेवन। गाइज आप लोग को यह देखना है कि रूट सेवन के यहाँ पर कौन सा नंबर है। आप लोग देखोगे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या लेट करेंगे, वन है। जब कोई भी नंबर नहीं होता तो हम लेट करते हैं वन है। तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, तो कितने हो गए, टू हो गए। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है टू। और गाइज रूट सेवन, रूट सेवन सिर्फ एक बार ही हम लिखेंगे यहाँ पे रूट सेवन। बस आ गया आप लोग का आंसर। अब गाइज मान लो आप लोग का इस तरीके से होता, थ्री रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन, तो अब क्या करते गाइज, सेम वही जो मैंने यहाँ पे सिखाया है, ये थ्री है ये टू है, थ्री प्लस टू फाइव, तो आप लिखते फाइव रूट सेवन और ये आप लोग का क्या होता, आंसर होता। गाइज क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, सिक्स रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री। गाइज जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सेम वही है, सिक्स टू एट और रूट थ्री हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और अपना क्या है ये आंसर है। आइए अपने थर्ड पार्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइव रूट फोर प्लस टू रूट थ्री। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे ना रूट क्या है, डिफरेंट है, और जब रूट डिफरेंट होंगे ना गाइज, तो ये जो सेम ही चीज़ यहाँ पे उतर जाएगी, फाइव रूट फोर प्लस टू रूट थ्री, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। जब भी गाइज रूट डिफरेंट हो लाइक दिस टू, तो गाइज ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो ये ऐड करके टू नहीं लिख सकते आप, क्योंकि रूट डिफरेंट है। रूट अगर सेम होता तब लिखते आप टू रूट फोर या टू रूट टू, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट फोर प्लस रूट टू, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बस आप लोग को ये याद रखना है, रूट अगर सेम है तो ये जो चीज़ें होंगी यहाँ की, जैसे यहाँ पर सिक्स टू है, ये ऐड हो जाएंगी। अगर रूट अगर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर रूट डिफरेंट था, तो ये सेम चीज़ यहाँ उतर जाएगी और वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट के ऊपर। गाइस फर्स्ट है यहाँ पे रूट सेवन माइनस रूट सेवन, तो ये हो जाएगा जीरो। अब आइए अपने सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। ये है सिक्स रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री। अब गाइस यहाँ पे क्या है, सिक्स है और टू है, रूट क्या है सेम है, तो अब क्या लिखेंगे, सिक्स में से टू हम घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो सिक्स में से टू जाएगा, क्या बचेगा फोर, और ये रूट थ्री एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है गाइज। मैंने यहाँ पे जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे लेट कर लो वन है और यहाँ पे वन है, और वन माइनस वन जीरो। अब जब जीरो आ गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, सेम चीज है। अब यहाँ पर सेकंड में क्या था कि यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे टू है, सिक्स में से टू गया फोर, और रूट थ्री सेम था, सेम लिख दिया हमने। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर भी सेम है, रूट सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फाइव माइनस टू थ्री और रूट फोर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग देखोगे फोर्थ पार्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर रूट जो है सेम नहीं है, और जब रूट सेम नहीं होता है तो हम इसे घटा नहीं सकते हैं, एज इट इज आ जाएगा ये यहाँ पे, सिक्स रूट थ्री माइनस टू रूट सिक्स, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब गाइस बढ़ते हैं अपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट के ऊपर। आप लोग यहाँ पे देखोगे रूट फाइव इंटू रूट फाइव। कभी भी दो रूट सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम लिखते हैं जो रूट के अंदर होगी वैल्यू, उसे बाहर लिख देंगे, समझे गाइस। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये फाइव यहाँ पे आ जाएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले केस में होता है। आप लोग यहाँ पे देखोगे ये फोर है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो वन ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो फोर आ गया, ठीक है। अब आ रही आती है रूट की, रूट टू है, रूट टू है, जब दो रूट सेम होते हैं तो जो अंदर वैल्यू होती है वो यहाँ पे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करो फोर टू जो एट, और यही अपना क्या है, आंसर है। यहाँ तक क्लियर है गाइस। कभी भी रूट अगर सेम आ जाए मल्टीप्लाई वाले केस में आए, तो अंदर वाली जो वैल्यू होगी ना वही उसका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। अब आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे गाइस देखोगे रूट की वैल्यूज सेम नहीं है,
यहाँ पे रूट के बाहर क्या है 3, इस रूट के बाहर क्या है 7 है, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब गाइस क्या करेंगे, इस रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3, तो ये हो जाएगा 21√6 और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस तरीके से होता √6 मल्टीप्लाई बाय √3, तो गाइज इसको हम इस प्रकार से लिखते 6 × 3 और √18, ये अपना हो जाता है यहाँ पे आंसर। अब गाइज लास्ट है अपना डिवीजन ऑफ रूट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, √3/√3, इसको गाइज हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √3/√3। अब ये गाइज कट जाएंगी और यहाँ बच जाएगा 1, समझ में आया? अब आइए अपने सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। ये दे रखा है 3√6/√6। अब गाइज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 ऐड करेंगे तो ये √6 कट जाएगा और ये क्या बचेगा 3, और यही अपना हो जाएगा आंसर। अब आइए अपने थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें 4√12, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4√12/√3। गाइज मैं चाहूं तो जो ये √12 है ना, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, √12 = 4 × 3। गाइज 4 3 12, जैसे मैंने मल्टीप्लीकेशन वाले केस में किया था, तो भाई इसको भी ऐसे लिख के बन तो 12 ही रहा है ना, तो गाइज √12 की जगह हम ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ये इसलिए लिखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, 4 × 3/, ये क्या है 2 और ये क्या है √3। यहाँ तक क्लियर है? आइए गाइस कटिंग कर लेते हैं। गाइस एक सेकेंड, मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 4√4/√3। गाइस मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया, इन दोनों को मैंने क्या किया, अलग कर दिया। अलग इसलिए किया है कि जो नीचे √3 है ना, ये 2√3 है, तो ये √3 से √3 कट जाए, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 1 2 2 4। अब ये आसान पड़ा और यहाँ पे अपना आंसर क्या आया, 2√4 और यही क्या है अपना आंसर है। गाइज जितना आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो ना, करा करो, आप ही लोग का एडवांटेज होता है, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, जितना इजी करोगे उतना जल्दी आप लोग का आंसर जो है आ जाएगा। तो गाइज उम्मीद करते हो इस वीडियो में मैंने आप सभी को एडिशन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, डिवीजन ऑफ रूट, चार चार चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करा है। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को ना पूरी एंड तक वॉच करना, और गाइज प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि गाइज इस चैनल पे इस तरह की कंटेंट रिलेटेड वीडियोज़ मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।